Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. तो आज की जो वीडियो है मेरी वो है हाउ टू यूज़ अ कॉफ़ी मशीन. बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी नहीं देखी जो उर्दू में हों और जिनको डिटेल में समझाया गया हो. सो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक छोटी सी वीडियो बना के सिर्फ ये बताया जाए कि इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम. सो हाउ वी गोना यूज़ दिस मशीन. पहले तो ये नेस्प्रेसो जो एक कंपनी है उसकी ये मशीन है. एज यू कैन सी नेस्प्रेसो ये मशीन है और इट्स अ कॉफ़ी एंड कैपेचिनो मशीन. पहले तो हम इसके देख लेते हैं पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दैट्स एक्चुअली मैंने जब इसको ओपन किया और मैंने एक एक चीज़ इसकी ज़रा वॉश करके रख ली, क्योंकि जब ये पैकिंग में आती हैं तो ज़रा एक वो कुछ प्लास्टिक के केमिकल्स और वो सब कुछ होते हैं. सो ये है पानी डालने के लिए. जितना भी हमारी कॉफ़ी के लिए पानी यूज़ होगा वो हम पानी सिर्फ इसमें रखेंगे, इस साइड पर रखेंगे. इस मशीन को जितना भी पानी अपने हिसाब से चाहिए होगा ये सारा पानी उस हिसाब से ले लेगी. ओके व्हाट नेक्स्ट. अब आप इसकी बात करें ऐसे तो ये देखिए, हियर वी गो, ये वो पार्ट है जहाँ पे आपको कॉफ़ी पुट करनी है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी डालनी है. और यहाँ पे हम रखेंगे अपना कप जिसके अंदर हमें कॉफ़ी डालनी है और जितना भी एक्सेस वाटर और चीज़ें जो होंगी वो इसमें आ जाएंगी. सो दैट्स आवर कॉफ़ी मशीन. अब हमने इसमें कॉफ़ी बनानी कैसे है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हमने कॉफ़ी बनानी कैसे है. अच्छा, इसके लिए हमें स्पेसिफिकली जो नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर है वो हम नहीं यूज़ करेंगे. प्रॉपर टी एंड कॉफ़ी बार है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इस तरह की शेप के अंदर ये कॉफ़ीज़ एंड कैपेचिनो आते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर कॉफ़ी में इसमें कॉफ़ी ऑलरेडी है. कॉफ़ी लाते कैपेचिनो डिफरेंट वैराइटीज़ के ये आते हैं और इसी तरह से ये यूज़ होंगे इस मशीन के अंदर. ठीक है, सो मैं एक मिल्क ले रही हूँ. इट्स नॉर्मल कंडेंस्ड मिल्क, वन कॉफ़ी एंड अ स्टिरर. इन तीनों चीज़ों से बनाएंगे हम हमारी कॉफ़ी. सो हियर वी गो, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं. सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये जो हमारा वाटर कंटेनर है इसके अंदर मैं पानी फिल करने वाली हूँ. देखिए मैंने पूरी बॉटल एक पानी के डाल दी है. नेक्स्ट स्टेप, एज यू कैन सी पानी इसके अंदर पूरा पोर हो गया है. अगला स्टेप हमारा ये है कि ये जो कॉफ़ी का कैपेचिनो जो फ्लेवर है हमारा ये हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है, लाइक ये जो होल बना हुआ है इसमें. सो हियर वी गो, ये मैंने इस तरह से रख दिया. यहाँ पर ये बिल्कुल फिट हो गया है अंदर. ओके, सो बस इसको आपने फिट किया और जस्ट ये बंद हो गया. अब जो कप है जिसमें हमने कॉफ़ी निकालनी है वो कप चाहेगा. अब मुझे कॉफ़ी विद मिल्क पीनी है तो हम जस्ट पुटिंग सम कंडेंस्ड मिल्क. ओके, गो, ये इस तरह से आ गया. अब आप अगर थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ पे दो बटन्स हैं. पहले तो हम इसको ऑन कर देते हैं. यहाँ पे दो बटन्स हैं क्वांटिटी के हिसाब से, आपको हाफ कप चाहिए, आपको फुल कप चाहिए, आपको किस तरह से चाहिए. तो आई एम गोइंग विद द हाफ कप, तो मैं इसको यहाँ से प्रेस कर दूँगी. जो मुझे ऑप्शन चाहिए थी आई ऑलरेडी प्रेस्ड. सो अब आप देखेंगे किस तरह से पानी भी लेती है और कॉफ़ी बन जाती है.
कैन सी पानी का लेवल भी कम हो गया और यहाँ पे अब परफेक्ट कॉफी कैपेचिनो इज रेडी। Can mix it with the stirrer. Okay, ये तो रेडी हो गई। मैंने इसको ऑफ भी कर दिया। अब जो हमने डाला था, जो कॉफी का जो हमने साशे या वो डाला था, वो कहाँ गया? वो गिर गया है जी नीचे। ये जैसे मैंने इसको दोबारा से ओपन किया, अब देख रहे हैं इसमें से एक स्मोक सा निकल रहा है, एक धुआं सा। और जब मैंने इसको दोबारा ओपन किया, इट्स केम डाउन। और हियर वी गो, दैट्स हाउ इट विल लुक आफ्टर द। सो हमारी परफेक्ट कॉफ़ी बन गई है। इस तरह से इसने लिया और अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी कॉफ़ी थी, दे वाज इट। आई होप यू लाइक माय वीडियो। आज का जो यूज़ था, एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन कैसे यूज़ की जाती है, इसके बारे में था। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी आपको चेंजिंग चाहिए, आपको कोई भी कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग दिस वीडियो, और कुछ आप किसी और चीज़ का चाह रहे हैं कि मैं उसको ऑपरेट करना बताऊँ, तो मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा। थैंक यू।